हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आपको मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं आपको सेकंड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास 12th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री बताया था। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि केमिस्ट्री जो अपनी डेली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारे डेली रूटीन लाइफ में कहाँ कहाँ उनका यूज होता है, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर आपको मैं इसका हिस्ट्री बताऊंगा। हिस्ट्री के अंदर देखिए, हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो है आपके डॉक्टर अल्फर्ड वर्नर। यानी डॉक्टर अल्फर्ड वर्नर जो है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाते हैं, क्लियर। अब इसके बाद में देखिए, आपको मैं ये बताऊंगा कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कैसे किया गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने के लिए इनिशियली एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर अल्फर्ड वर्नर और उनकी टीम के द्वारा क्या क्या की गई है उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर आप बनाते हैं तो कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर अल्फर्ड वर्नर और उनकी टीम ने दो तरह के सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन किया। देखिए, अब मैं पूरा बोर्ड कवर करूंगा। सॉल्यूशन जो बनाया उन्होंने वो दो तरह के बनाए, ठीक है। एक तो बनाए वन टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन और दूसरे जो सॉल्यूशन बनाए उन्होंने वो बनाए मोर देन वन टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन। वन टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह का सॉल्ट डिसॉल्व किया हुआ हो, समझ नहीं आपको। यानी भैया आपने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट के फॉर्म में आपने क्या लिया भैया, माना कि वाटर लिया, वाटर में आपने क्या करा, एक ही सॉल्ट डिसॉल्व किया, माना कि NaCl डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना दिया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, वन टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन। अब वन टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन के बहुत सारे सैंपल तैयार किए, समझने के लिए आप ये समझिए कि लगभग 100 सैंपल तैयार किए। 100 सैंपल का जब ऑब्जर्वेशन किया गया, 100 सैंपल को जब ढंग से डीपली ऑब्जर्व किया गया तो उनको टू टाइप्स के रिजल्ट मिले। इन टू टाइप के रिजल्ट के बेसिस पर जो वन टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं जरा देखें, सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन और दूसरा है आपका मिक्स्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है भैया, फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन विच वन केटायन एंड वन एनायन इज फॉर्म नॉन ए सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या करा भैया, NaCl को वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बनेगा, Na++Cl-। KCl को वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बनेगा, K+Cl-। तो ये सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन है। मिक्स सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर फॉर्म्ड नॉन एज मिक्स्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आपको एक से ज्यादा कैटायन या एनायन
मिले तो उसका आप क्या कहेंगे, मिक्स द सॉल्ट सॉल्यूशन। कहने का सेंस ये है कि आपने भैया सॉल्वेंट लिया, उसमें एक ही सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया। अब एक ही सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे तो एक कैटायन एक एनायन बनना चाहिए था, सिंपल सॉल्ट होता तो। लेकिन भैया मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन फाउंड इन द सॉल्यूशन इज नोन एज मिक्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल है इसका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसको अगर भैया डिसॉल्व करेंगे तो Ca+2, एक Cl- एक OCl- माइनस, यानी टू एनायन और वन कैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ये इनिशियली उन्होंने ट्राई किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने के लिए, लेकिन यहां से कोई कंपाउंड उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, मोर देन वन टाइप सॉल्ट लिए और उनको वाटर में डिसॉल्व किया या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। कैसे किया देखिए जरा, बीकर लिया, बीकर में क्या ले लिया, वाटर। ठीक है, वाटर लेने के बाद में उसको भैया स्टैंड पर रख दिया और इस वाटर के अंदर क्या ले लिया, यहां पर मोर देन वन टाइप सॉल्ट वाटर कंटेन मोर देन वन टाइप सॉल्ट। इसका मीनिंग क्या है, आपने इस बीकर में वाटर लेके इसके अंदर मोर देन वन टाइप सॉल्ट, मोर देन वन टाइप सॉल्ट का मतलब KCl, NaCl, NaMm सल्फेट, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट आपने क्या कर दिए इस वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करा, नीचे बर्नर लगा के गरम किया, बर्नर लगा के गरम किया। गरम करेंगे तो क्या होगा भैया, ये सारे सॉल्ट और ये पानी एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगी। ये जो सॉल्ट है, दो तीन तरह की सॉल्ट आपने लिया उसके अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉल्व होकर एक नया कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद भी अगर भैया अगर आप लगातार इसको गर्म करते रहेंगे तो पानी भैया बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होने पर इनका क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन स्टार्ट होने पर पानी लगातार क्या होगा भैया, वेपर की फॉर्म में क्या होगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा। और लगातार आप इसको इतना गर्म करेंगे कि पूरा पानी क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बीकर में लास्ट में एक पाउडर जैसा कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, इस पाउडर जैसे कंपाउंड को कहते हैं आप एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड। क्लियर? अब इसको एडिशन कंपाउंड नाम क्यों दिया, ठीक है, एडिशन कंपाउंड नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो टू और मोर देन टू सॉल्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से बना है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है भैया, एडिशन कंपाउंड। समझ में ये चीज आपको, क्लियर है? बिकॉज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सॉल्ट इज नोन एज द एडिशन कंपाउंड। क्लियर है? अब यहां पर ऐसे एडिशन कंपाउंड के बहुत सारे सैंपल तैयार किए गए समझने के लिए। जैसे एक वाटर लिया, एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, 100 सैंपल तैयार किए, 100 बीकर्स के अंदर क्या ले लिया, वाटर भर दिया, एक में KCl डाला, एल्युमिनियम सल्फेट डाला, दूसरे में भैया NaCl डाला और एल्युमिनियम सल्फेट डाला, ऐसे करके भैया उन्होंने क्या 100 सैंपल अलग अलग तैयार किए और सबके क्या बना दिए, एडिशन कंपाउंड। अब वापस अलग अलग टाइप के एडिशन कंपाउंड उनको मिल गए। अब उन्होंने क्या करा, इन एडिशन कंपाउंड को वापस वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने पर रिजल्ट जो मिले वापस उनको टू टाइप के रिजल्ट मिले। इन टू टाइप रिजल्ट के बेसिस पर वापस जो एडिशन कंपाउंड है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।